टाइप्स ऑफ डाटा, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसकी क्या टाइप्स हैं और वो कैसे कलेक्ट होता है और कैसे वो यूज़फुल होता है मार्केट रिसर्च के लिए फॉर एन एंटरप्रेन्योर। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन विच आर प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व्स न्यू रिसर्च दैट इज़ फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग डाटा स्पेसिफिकली एंड यूनिकली फॉर ए रिसर्च क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल टू नो बाइंग बिहेवियर ऑफ प्रस्पेक्टिव कस्टमर्स। कि एंटरप्रेन्योर जो है वो तो ये चाहता है कि उसको मालूम हो कि जब मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो, विच इज़ ऑफ कोर्स एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो वट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से इंटरव्यू कर सकते हैं और कोई सर्वे फॉर्म बना सकते हैं जिसके ज़रिए उनको एक सिनेरियो बता के तो उनकी ओपिनियन जो है वो आप जानने की कोशिश करेंगे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सामने रख के। तो ये आप डेटा अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सामने रख के, एक स्पेसिफिक इशू को सामने रख के ये डेटा कलेक्शन आप कर रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। सो इट हैज़ इट्स साइकोलॉजिकल कॉस्ट एंड बेनिफिट। देर इज़ रिस्क इन्वॉल्व विच यू मे वुड सी इट प्रैक्टिकली वाइल यू आर गैदरिंग द डेटा। डेटा इकट्ठा करने में भी देर इज़ अ रिस्क, पीपल मे नॉट एग्री टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, और देर इज़ अ रिस्क दैट द इंफॉर्मेशन विच यू आर शेयरिंग विद द रिस्पॉन्डेंट्स जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं या जिनसे आप कोई फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वो जो आप सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल जाए और वो आपके कॉम्पिटिटर्स तक भी पहुंच जाए, तो ये रिस्क भी इसमें शामिल है। देन पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग रीजंस फॉर प्रोडक्ट्स। समटाइम्स जो रिस्पोंडेंट है उनकी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़ाहिर है सारे रिस्पोंडेंट तक तो आप पहुँच नहीं सकेंगे, एक सैंपल लेंगे, तो वो बेस हो सकती है उनकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स पे। कि एक बंदा जो कि बहुत ही सेटिस्फाइड है प्रेजेंट प्रोडक्ट से, तो वो आपको हो सकता है नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करे, और इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग है या डिस्टर्ब्ड है प्रेजेंट सप्लायर से, तो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली प्रैग्मेटिकली बिहेव करे। तो ये एलिमेंट्स शामिल हैं जो कि आप अपने ज़हन में रखेंगे जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं फॉर योर प्रोडक्ट। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कंसर्न्स ड्राइंग ऑन डेटा दैट वाज कलेक्टेड फॉर अदर पर्पसेस बट दैट इज़ रेडीली अवेलेबल। किसी और काम के लिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इट मे बी यूजफुल टू योर टॉपिक एंड क्वेश्चन बट इट वॉज नॉट गैदर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज and thus does not fit completely। तो पूरी तरीके से आपके सवाल का जवाब नहीं देती। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कंसर्न्स ड्राइंग ऑन डेटा दैट वॉज कलेक्टेड फॉर अदर पर्पजेज बट दैट इज रेडीली अवेलेबल। इट मे बी यूजफुल टू योर टॉपिक एंड क्वेश्चन बट इट इज नॉट गैदर फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज। लेकिन इसमें क्या आपको मिल सकता है, मे बी नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशन इन एन इंडस्ट्री, मे बी द सेल्स फिगर्स ऑफ द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। एंड दिस डेटा गिव्स ए बेटर आइडिया ऑफ मार्केट बट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन।